हेलो गाइज वेलकम टू माय ट्यूब चैनल सुजीत कुमार अस्तम्भ कला सुजगो आज फिर से हम आ गया नेक्स्ट वीडियो लेकर के जो कि यह आर्टिकल का है आर्टिकल का प्रैक्टिस क्वेश्चन है ठीक है ना तो आर्टिकल का इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को अगर कर लेते हैं इस सीरीज का क्योंकि आज तेरह क्वेश्चन है इसी तरह से प्रतिदिन हम करवाते रहेंगे अगर इसको आप कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा ठीक है ना तो इस सीरीज़ को देखना ना भूलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ अपने मित्र सगे संबंधियों के साथ ताकि प्रत्येक लोग इसका फ़ायदा उठा सके ठीक है ना तो हम इसको अब शुरू करते हैं ठीक है तो देख लीजिए प्रैक्टिस फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है इसमें ना इंडिफिनिट आर्टिकल है इंडिफिनिट आर्टिकल हम बतला रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है इंडिफिनिट आर्टिकल ठीक है उसके बाद हम डिफिनिट लेकर आएंगे इंडिफिनट डिफिनिट दोनों मिसलेनियस भी आएगी सब साथ में चलेगा अब टेंशन ना ले सारा के सारा मैं भर करवा दूंगा ठीक है तो देख लीजिए फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है आई हैव डॉट डॉट वन रुपी नोट मेरे पास एक रुपये का नोट है आई हैव वन रुपी नोट तो आपको हमने बतलाया था कि अगर आर्टिकल ए या एन का इस्तेमाल करना है आप जानते हैं कि आर्टिकल दो तरह की होती है एक डिफिनट आर्टिकल होता है और एक इनडिफिनेट आर्टिकल होता है डिफिनिट आर्टिकल में आर्टिकल द को सम्मिलित किया गया है और इनडिफिनेट आर्टिकल में आर्टिकल ए और ए एन का सम्मिलित किया गया है तो हमें भरना है इंडिफिनिट आर्टिकल अब इसमें देख रहे हो कि आप जानते हैं कि आर्टिकल का जन्म तब हुआ था जब नाउन की हुई थी ठीक है ना अगर नाउन का जन्म नहीं होती तो आर्टिकल का भी जन्म नहीं होता क्योंकि आर्टिकल विशेषता बतलाता है नाउन को ठीक है ना एज लाइक एडजेक्टिव जिस प्रकार से एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बतलाता है उसी प्रकार से आर्टिकल ही बतलाता है और उसको निश्चित करता है या अनिश्चित करता है नाउन को आर्टिकल किसको निश्चित या अनिश्चित करता है नाउन को करता है जब तक नाउन नहीं रहेगा तब तक आर्टिकल तो लगना ही नहीं है नाउन है तभी आर्टिकल है अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल नहीं है सबसे पहले देखना रहता है कि नाउन है कि नहीं तो इस पहला सेंटेंस में देखिए कि आई हैव डॉट डॉट वन रुपी नोट तो नोट यहाँ पे क्या है एक नाउन है नोट क्या है मित्र नाउन है तो जब नोट पता चल गया कि नाउन है तो आर्टिकल लेगा अब आर्टिकल लेगा तो अब चेक किया जाता है कि उसका नज़दीकी वाला जो साउंड है वह क्या है अगर साउंड अगर अ से लेकर अह तक हो साउंड कहाँ से कहाँ तक हो साउंड अगर अ से लेकर के अह तक हो तो हम आर्टिकल एन का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे लिख देते हैं यदि साउंड अ से लेकर के अह तक हो अह तक हो तो आर्टिकल एन का प्रयोग करिएगा और अगर साउंड क से लेकर के तक हो तो आर्टिकल ए का प्रयोग करिएगा तो साउंड देखिए तो वन रुपी नोट मान एक रुपया का नोट है मेरे पास तो वन रुपए में क्या आ रहा है व तो व आता है क से लेकर ग्य के बीच में तो इसलिए आर्टिकल क्या लगेगा ए लगेगा तो इसमें क्या आर्टिकल हो जाएगा ए मतलब कौन सा सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं मिस्टर शर्मा इज एम बी ए तो एम बी ए कैसे लिखा गया एम बी ए ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है सामान ए आ रहा था ए तो आई में क्या है ना तो इसलिए आर्टिकल क्या लगेगा एन लगेगा तो एन यहाँ पे ऑप्शन होगा बी बी इसका सही हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए सी वैन टू वह चली गई यूरोपियन ट्रिप पर है ना यूरोपियन यात्रा पर तो यूरोपियन है और यहाँ पर ट्रिप एक नाम दे ही दे दिया है और यहाँ पे अब साउंड देखना है कि यूरोपियन तो यूरोपियन तो यूरोपियन कैसे लिखाएगा ई यूरोपियन में या, या आता है तो यह तो आता है कखा से लेकर गया के बीच में हेराला में आता है या तो या, या आता है तो आर्टिकल तो हमको ये लगाना ही पड़ेगा तो इसमें आर्टिकल क्या लगेगा ये लगेगा मतलब ये ऑप्शन राइट हो जाएगा ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए ऐसा मैंने देखा एक छाता को देखा तो अम्ब्रेला अम्ब्रेला में क्या है आ, असाउंड क्या आ रहा है असाउंड तो इसमें क्या लगेगा एन लगेगा चूंकि हमको बताया है यहाँ से लेकर तो के यहाँ तक रहेगी तो एन आर्टिकल लगेगा अगर आप सोचते हैं कि अगर भावेल है तो आर्टिकल एन लगाएं और कॉन्सोनेंट है तो आर्टिकल ए लगाएं तो गलत हो जाएगा जैसे यहाँ देखिए यहाँ तो भोवेल था तो आर्टिकल ए क्यों लगा क्योंकि साउंड पर डिपेंड करता है साउंड से आर्टिकल लगाना सीखिएगा भोवेल को देख करके नहीं नहीं तो आगे चलकर आपकी बहुत ही दिक्कत होगी और गलत होने की संभावना बनी रहेगी और एम बी ए देखिए तो एम बी ए तो देख रहे हैं एम तो कॉन्सोनेंट है लेकिन उच्चारण जो है ए आ रहा है तो ए आ रहा है तो इसलिए आर्टिकल क्या लगेगा एन लगेगा आगे देखिए वी सा हम लोगों ने देखा ऑस्ट्रिच ऑस्ट्रिच इन द जू मान चिड़ियाघर में हम लोगों ने शूत्रमुर्ग को देखा तो ऑस्ट्रिच को देखा ना तो ऑस्ट्रिच जो है तो उच्चारण इसमें क्या आ रहा है अ आ रहा है में क्या है है ना आई में क्या पूरा रंग के नहीं बतला रहे हैं आपको आई में क्या है अ जब है तो इसको हम आर्टिकल एन लगा देंगे सिंपल सी तरीका है आगे देखिए मिट मी इन आवर आवर है ना आवर अ उच्चारण होता है हावर नहीं पढ़ते हैं आवर पढ़ते हैं तो अ तो इसमें आर्टिकल क्या लगेगा एन अगला देखिए द क्लोन वाच राइडिंग डॉट डॉट वन व्हील्ड वन व्हील्ड बाई साइकिल मतलब एक पहिया वाला साइकिल बाईसाइकिल मतलब एक पहिया वाला बाईसाइकिल है ना तो वन है तो वह यहाँ आ रहा है से ग के बीच में कॉन्सोनेंट साउंड है तो इसलिए आर्टिकल क्या लगेगा ए लगेगा ठीक है ना अगला क्वेश्चन देखिए इज दैट ए पिक्चर ऑफ डॉट डॉट यूनिकॉर्न ठीक है ना तो यूनिकॉर्न है तो यूनिकॉर्न मतलब ना एक काल्पनिक जानवर होता है ठीक है ना तो एक ये काल्पनिक जानवर होता है तो यहाँ पे देख रहे हैं ना यूनिक और है है ना ए तो एय यदि है मित्रों तो इसमें देख रहे हैं कि यह कॉन्सोनेंट वाला है तो भॉवेल लेटर रहते हुए भी कॉन्सोनेंट साउंड है हमको साउंड से सा लगाना है तो ये साउंड क्या है, है तो इसलिए आर्टिकल क्या लगेगा ए लगेगा सिंपल सी तरीका है नॉट ट्राई टू बी मतलब कि प्रयास मत करो है ना मुफतेज बनने की तो टू बी डॉ डॉट इंटेलिजेंट तो इंटेलिजेंट मैंने तेज तो ये तो एडजेक्टिव है ना और हमने आपको बताया था कि नाउन रहेगा तभी आर्टिकल लगाना है और यह एडजेक्टिव है तो आर्टिकल तो हमको एन ही लगाना पड़ेगा ना एन लगाना पड़ेगा आर्टिकल ठीक है ना अगला क्वेश्चन देखिए इर डो डॉट इडियट तो इडियट नाउन है तो नाउन है तो इडियट तो ई आ रहा है ई है ना आई में क्या आ रहा है ई आ रहा है तो ई आ रहा है तो ऐन लगा देंगे सिंपल तरीका अब तो लगाने ही जा रहा होगा ना आपको यू आर डॉ डॉ टू आवर लेट मतलब लेट यहाँ पे नाउन नहीं है नाउन अगर आता तो लग जाता यहाँ पे नाउन नहीं है ठीक अच्छा इंटेलिजेंट यहाँ पे देख रहे हो कि एडजेक्टिव था तो इसमें एन थोड़े no article article मतलब no ना लगेगा नो आर्टिकल लगेगा आर्टिकल नो लगेगा मतलब डी होगा नो आर्टिकल समझे क्या लगेगा नो no आर्टिकल लगेगा चूंकि डो नॉट ट्राई बी डॉ डॉट इंटेलिजेंट तो इंटेलिजेंट क्या एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव में आर्टिकल थोड़े ना लगता है एडजेक्टिव में आर्टिकल नहीं लगता है इसलिए नो no आर्टिकल होगा यहाँ पे एन गलती होगा ये मिस्टेक से लग गया ठीक है ना समझे कि नहीं समझे नाउन रहेगा तब तो ना आर्टिकल लगेगा और एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव में आर्टिकल थोड़ा ना लगेगा ठीक है ये तो ठीक है ना ई वो डॉट यहाँ पर लेट देखिए लेट मतलब ना एडवर्ब भी होता है और ये एडजेक्टिव भी होता है नाउन तो होता नहीं है तो इसमें तो आर्टिकल लगेगा नहीं नो आर्टिकल होगा है ना देरी से देरी से विलम्ब से तो एडवर्ब है अगर विलम्ब इसका हिंदी हो रहा है एडजेक्टिव सी सेड उसने कही दैट कि सी हैड कि उसके पास अगली डॉग है मतलब बहुत ही बदसूरत कुत्ता है ए, ठीक है ना, क्रूप कुत्ता तो तो है अगली यहाँ डॉग तो नाउन है तब तो यहाँ लगभग करेगा साउंड तो लेगा ही नज़दीक वाला तो अगली तो आ रहा है ना तो आ रहा है तो का इस्तेमाल करेंगे ठीक है अगला देखिए वी लाइक डॉट डॉट ऑनेस्ट बॉय जिसमें ऑप्शन छूट गई है ऑप्शन हम दे देते हैं ऑप्शन दे देते हैं एंड दे, नो आर्टिकल ठीक टिक। अब देखिए वी लाइक हम लोग पसंद करते हैं ईमानदार जो लड़का होता है ना उसी को बहुत ज़्यादा फिर तो डॉट डॉट ऑनेस्ट बॉयज अब बतलाओ कि नाउन तो है तो आर्टिकल तो लेगी लेकिन लेगी तब ना जब ये सिंगुलर रहेगी तो सिंगुलर तो है नहीं तो सिंगुलर चूँकि ये मन एक एन मन एक होता है और सिंगुलर रहता तब तो लगता और यह पुल तो पुल रहेगा तो इसमें भी आर्टिकल नहीं लगा सकते नो आर्टिकल बी भी ऑनेस्ट है ना तो इस तरह से हमने आज एक प्रैक्टिस पेपर दिया आर्टिकल का तो इसी तरह से प्रैक्टिस पेपर आपको मिलते रहेगा प्रतिदिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास बहुत ही जल्द पहुंच जाए ताकि आपको पता चले कि हम कौन कौन सी वीडियो अपलोड करते हैं ठीक है थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो